Hello everyone, you all are welcome to Civil Step Himachal. Today I'm going to discuss questions related to English language that have been asked in HPAS 2021. ठीक है, HPAS 2021 अभी recently बच्चे conduct हुआ है. ठीक है, इस related जितने भी question हमें English language के exam में देखने को मिले उन सभी को आज मैं आप लोगों के साथ discuss करने जा रहा हूँ. और उसमें कुछ questions हमारे grammar से भी रहे और कुछ questions हमारे जो reading comprehension से भी हमें देखने को मिले. ठीक है, ओवरऑल अगर हम इस लेवल की बात करें इस एग्जाम की, तो लेवल इसका इजी टू मॉडरेट रहा है. ठीक है, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस कुछ नहीं पूछे गए, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, इजी भी थे कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के भी थे. लेकिन जिन बच्चों ने थोड़ा सा एग्जाम को अच्छे से और सीरियसली प्रिपेयर किया और टेक्निकली इंग्लिश लैंग्वेज को डील किया है, वो इस एग्जाम को क्वालिफाई जरूर कर जाएंगे इसकी मदद से. ठीक है, मतलब यहाँ पे वो स्कोर अच्छा कर पाएंगे जो बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश को मतलब सीरियसली ले रहे थे और टेक्निकली इसको समझ रहे थे. क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डीप में जाके नहीं पूछे, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे. कुछ क्वेश्चंस थे आपके टेक्निकल जहां से उन्होंने मतलब आपको क्वेश्चंस को घुमाने की कोशिश की है, लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रहा था वो इसको इजिली कर पाएगा. ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो भी क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर्स में आपको बताऊंगा. और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो आपने कैसे कवर करने हैं. राइट, चलिए मिलते करते हैं अपना नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर चलते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिले. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड विद द डैश डिजिटल लिटरेसी प्रेवलेंट इन इंडिया. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं. इसका कहने का मतलब क्या है बच्चे, सबसे पहले ना आप इस क्वेश्चन को ऑड वन आउट फॉर्मूला से भी कर सकते थे. ठीक है, इस क्वेश्चन को किया जा सकता था ऑड वन आउट फॉर्मूला से. कब किया जा सकता था, जब हमें यहां पर यूज की गई फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पता होता. यहां पर जो बच्चे फ्रेजल वर्ब यूज की गई है वो क्या है आपकी, कंसर्न्ड विद. ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब यूज की गई है. अब कंसर्न्ड विद को ज्यादातर स्टूडेंट्स किससे रिलेट करके चले गए, कंसर्न्ड अबाउट. देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कंसर्न्ड विद एंड कंसर्न्ड अबाउट. ठीक है, कंसर्न्ड विद का मतलब बच्चे होता है रिलेटेड विद. कंसर्न्ड विद का मतलब होता है रिलेटेड विद, और जो कंसर्न्ड अबाउट है उसका मतलब होता है वरिड अबाउट. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है. ठीक है, अब यहां पे जो कंसर्न्ड विद आपको फ्रेजल वर्ब देखने को मिल रही है, ये जो फ्रेजल वर्ब है ये पॉजिटिव सेंस में यूज की जाती है. ठीक है, मतलब जब आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो, आप रिलेटेड हो उस चीज से, तब हम कंसर्न्ड विद वर्ब का यूज करते हैं. लेकिन कंसर्न्ड अबाउट का अगर हम यूज करें तो कंसर्न्ड अबाउट का मतलब होता है नेगेटिव वर्ब, मतलब वी आर वरिड अबाउट समथिंग. ठीक है, तो अगर ये आपकी फ्रेजल वर्ब पॉजिटिव यूज की गई है तो इसका मतलब पता क्या बनता है बच्चे, जो यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन देखने को मिले, टाइनिएस्ट लेवल्स ऑफ, स्मॉलर लेवल्स ऑफ, लो लेवल्स ऑफ, ये जो हमें ऑप्शंस देखने को मिले ये ऑप्शंस क्या थे आपके, नेगेटिव थे. इसमें सिर्फ एक ही क्या था, पॉजिटिव ऑप्शन था, और यही इसका राइट ऑप्शन बनेगा. मतलब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो टेक्निकली मतलब जिसको कह सकते हैं एक साउंड क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया. क्योंकि ज्यादातर बच्चे कंसर्न्ड विद पढ़कर क्या समझेंगे कि ये नेगेटिव फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है. ठीक है, लेकिन वहां पर उन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया है और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन क्या कर दिया आपका, बहुत ही इजी था. मतलब अगर आप चाहते तो इसको कहां से भी क्लिक कर सकते थे कि तीन ऑप्शंस यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव. लेकिन ये बच्चे हम तभी कर पाएंगे जब हमें फ्रेजल वर्ब का थोड़ा सा ज्ञान होगा. ठीक है, तो कंसर्न्ड विद और कंसर्न्ड अबाउट में आप डिफरेंस समझेंगे और उस हिसाब से इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे. राइट ऑप्शन इसका बनेगा सुपर्ब लेवल्स ऑफ, सुपर्ब लेवल्स ऑफ. ठीक है, हालांकि बहुत से बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कुछ है नहीं कि इंडिया में लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी जो है वो सुपर्ब लेवल पे तो है नहीं. लेकिन बच्चे यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब है ना, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. अगर फ्रेजल वर्ब होती कंसर्न्ड अबाउट तो फिर इनमें से कोई नेगेटिव आपका ऑप्शन हो सकता था. ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा आपका सुपर्ब लेवल्स ऑफ डिजिटल लिटरेसी प्रेवलेंट इन इंडिया. ठीक है, क्योंकि इंडिया में ना अब जो डिजिटल लिटरेसी है वैसे वो बहुत अच्छे लेवल पे है. ठीक है, गांव-गांव में फोन है, हर किसी के पास फोन है, बच्चे-बच्चे फोन यूज कर रहे हैं, मतलब अच्छे लेवल पे है इंडिया में डिजिटल लिटरेसी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें. स्कार्सली डिड मोहन स्टेप ऑन द लैडर डैश. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया. ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन का क्वेश्चन है. ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होती हैं वो ऐसी कंजंक्शंस होती हैं जिनको किसी दूसरे पार्ट से रिलेट करके लिखा जाता है. क्लियर है बात. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं बच्चे. जैसे मान लो मैंने यहां पे कंजंक्शन लिखी ईदर. ठीक है, और इसके साथ मैंने पेयर लिखा बच्चे और. ठीक है, ईदर के साथ और लिखा.
अब ये है कोरिलेटिव कंजंक्शन, क्योंकि ये पेयर में यूज की जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चे, जो ईदर है वो एक डिटर्मिनर का काम करता है, ठीक है, और जो है वो एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम करती है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम करती है, ठीक है। अब ये जो कंजंक्शन है ये किसी दूसरे पार्ट से रिलेट करके लिखी जा रही है, ठीक है। वो दूसरा पार्ट क्या है आपका, डिटर्मिनर है, तो इस करके हम क्या बोल देते हैं, को रिलेटिव कंजंक्शन, को रिलेटिव कंजंक्शन मतलब ये किसी दूसरे पार्ट से रिलेट करके लिखी जा रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन। तो ऐसे ही हमारा एक पेयर स्कार्सली का भी होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि ऐसे ही एक पेयर हमारा किसका होता है, स्कार्सली का। मतलब आप ऐसे याद रखेंगे बच्चे कि जब भी आपको देखने को मिले क्या, स्कार्सली, ठीक है, बेयरली या फिर हार्डली, ठीक है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये तीनों आपको देखने को मिले तो आप इसके साथ जो पेयर आपको लगाना है वो पेयर इसके साथ क्या यूज होता है, या तो यूज होता है व्हेन या फिर यूज होता है आपका बिफोर, ठीक है, या तो आपका व्हेन यूज होता है कंजंक्शन या तो बिफोर, ठीक है, ये पेयर बनता है स्कार्सली के साथ भी, बेयरली, हार्डली, इनके साथ जो आपका पेयर बनेगा वो बनेगा व्हेन या फिर बिफोर, ये पेयर आपका तैयार होगा, ठीक है। तो बच्चे यहां पर देखो, स्कार्सली के साथ, स्कार्सली डिड मोहन स्टेप ऑन द लैडर डैश, ठीक है, मतलब इसके साथ जो पेयर बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चे, व्हेन का पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये तो यहां पर खत्म हो गया ऑप्शन, ये भी हमारे लिए ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है, और ये भी हमारे लिए ऑप्शन खत्म हो गया, यानी कि राइट ऑप्शन क्या बचेगा, व्हेन इट ब्रोक, ठीक है, स्कार्सली डिड मोहन स्टेप आउट स्टेप ऑन द लैडर व्हेन इट ब्रोक। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया आपको, ठीक है, मतलब जो पेयर्स होते हैं हमारे कंजंक्शन के, वहां से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पेयर्स आप याद कर लेंगे कि पेयर्स कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उन पेयर्स को आप याद रख लेंगे बच्चे तो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। मैं पेयर्स यहाँ पे आपके सारे लिख देता हूँ कौन कौन से पेयर्स होते हैं, जैसे पहला है आपका बोथ और बिटवीन, ठीक है, बोथ और बिटवीन के साथ बच्चे आप पेयर यूज करा करो एंड, ठीक है, उससे अगला जो आएगा आपका पेयर आएगा जैसे नो सूनर है, ठीक है, अदर है, रेदर, नो सूनर, अदर, रेदर, इनके साथ जो आपका पेयर आएगा वो आएगा देन, ठीक, हार्डली है, scarcely, barely, ठीक है, इनके साथ जो आपका पेयर यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, या तो when इसका यूज किया जाता है पेयर, या तो before, ठीक है, दोनों में से कोई भी पेयर आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप पेयर यहां पे लगा सकते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं हमारे लेस्ट के साथ, शुड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, लेस्ट के साथ बहुत बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मतलब आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको ये पेयर वहां पे देखने को मिल सकता है, लेस्ट के साथ शुड आएगा, ठीक है, एल्स अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इसके साथ आप पेयर लगाया करो कौन सा, बट लगाया करो, ठीक है, टी डबल ओ टू, अगर ये एडवा आपको देखने को मिल रही है तो इसके साथ इन्फिनेटिव का यूज करो, टू प्लस वी वन का, ठीक है, सो के साथ एस लगाया करो, कब, जब आपका कंपैरिजन क्या हो, नेगेटिव कंपैरिजन, क्या होगा आपका, नेगेटिव कंपैरिजन होगा, एज के साथ एज लगाया करो, जब आपका कंपैरिजन कैसा है, पॉजिटिव कंपैरिजन है, ठीक है, कंपैरिजन कैसा है आपका, पॉजिटिव है, तब क्या लगाया करो आप, एज के साथ एज लगाया करो, और सच के साथ भी एज लग सकता है बच्चे, सच के साथ भी एज लग सकता है जब हम थिंग्स को कैटेगराइज करते हैं, जब हम थिंग्स को कैटेगराइज करते हैं, और सच के साथ दैट लगता है व्हेन वी स्ट्रेंथन आवर स्टेटमेंट, है ना, जब हम किसी भी अपनी स्टेटमेंट को क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, सच के साथ दैट लगाते हैं, ठीक है। ईदर या फिर वेदर, इधर या फिर वेदर, इनके साथ क्या लगाया करो बच्चे, और लगाया करो, ठीक है, नीदर के साथ नॉर, ठीक है, ये हमारे कुछ पेयर हैं जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस के हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए कोरिलेटिव कंजंक्शंस के पेयर,
क्योंकि अभी अगर इन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछा तो आगे जाके भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चंस बचे ज्यादातर अगर कोरिलेटिव से आते हैं तो कहां से आते हैं, नो सूनर से और हार्डली स्कार्सली बेयरली, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, अगर कोरिलेटिव से कंजंक्शन से क्वेश्चन आता है। लेकिन फिर भी आपको सारे पेयर्स पता होने चाहिए कि पेयर्स कौन कौन से आपको यहां देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन पेयर्स को आप एक बार अपनी वीडियो स्टॉप करके पॉज करके वहां से आप एक बार नोट कर लेना और ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आया था मेंडिकेंट इज डैश, ठीक है। मेंडिकेंट बच्चे उसको बोलते हैं, ठीक है, हु बेग्स। मेंडिकेंट किसको कहा जाता है, जो भीख मांगता है। तो भीख मांगने से रिलेटेड हमें ऑप्शन यहां पर एक ही मिला था, ठीक है, कि हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बैकिंग फॉर बैकिंग ऑन बैकिंग। कुछ गलत यहां पे थोड़ा सा लिखा गया है शायद, प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। तो मतलब इतना समझ लो कि जो भिखारी होता है यानी कि जो भीख मांगता है उसको मेंडिकेंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जया इज नॉट वेल एक्वेंटेड। ये भी क्वेश्चन आपका कहां से पूछा गया है बच्चा, ये भी क्वेश्चन आपका फ्रेजल वर्ब से पूछा गया है, यानी कि कहने का मतलब है कि दो क्वेश्चन जो है उन्होंने घुमा के फ्रेजल वर्ब से ही पूछे हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेजल वर्ब, ठीक है, इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत बार ब्लैंक्स में फ्रेजल वर्ब जो है वो हमें देखने को मिलती है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो फ्रेजल वर्ब को थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए और अच्छे से याद भी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा किसी सेशन में आपको फ्रेजल वर्ब्स के मैं कुछ ट्रिक्स बता दूं कि ताकि आप उन फ्रेजल वर्ब्स को आसानी से याद रख पाओ, और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स भी मैं आपको बता दूं ताकि क्या हो वो आपके लिए मतलब एक बोनस क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, जो बार बार एग्जाम्स में आती रहती है। तो एक्वेंटेड के साथ ना बच्चे विद लगाया करो, एक्वेंटेड विद का मतलब होता है कि किसी के साथ परिचित होना, ठीक है। अगर मैं एक्वेंटेड के साथ विद लिख देता हूं तो इसका मतलब होता है कि एक्वेंटेड विद का मतलब होता है कि नोन टू, ठीक है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं परिचित होना, ठीक है, ऐसे इसको लिख लो, इसका मतलब होता है परिचित होना, ठीक है, मतलब जान पहचान होना जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद लिखते हैं जेस्टिकुलेट इज, बच्चे जेस्टिकुलेट जो वर्ड है ना, ठीक है, जेस्टिकुलेट का मतलब यहां पे एक वर्ब है ये, ठीक है, वर्ब का काम कर रही है, और जेस्टिकुलेट इज रिलेटेड टू जेस्चर, जेस्टिकुलेट इज रिलेटेड टू जेस्चर। और जेस्टिकुलेट का मतलब क्या होता है कि जब हम, आपने देखा होगा कि इशारे में कोई बात समझा देते हैं, है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मुझे कॉल करना, मुझे कॉल करना, तो ये जो मैंने करा ना ये जेस्टिकुलेट इसको बोला जाता है, ठीक है। और जैसे मैं कहीं इशारा करूं कि इधर आओ, है ना, तो मैंने क्या कहा, इधर आओ, और इसके साथ साथ मैंने इशारा भी किया, तो ये जो मैंने करा ना मतलब मैं कोई ऐसी मूवमेंट कर रहा हूं जिससे मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, है ना, तो इसको बोलते हैं जेस्टिकुलेट। इस ऑप्शन को अगर हम देखें बच्चे तो क्या हो जाएगा, टू थिंक अबाउट अ टॉपिक, टू न्यूट्रलाइज फास्ट, टू मेक एक्सप्रेसिव जेस्चर्स वाइल स्पीकिंग, टू अबंडन द फोर्सेक। हाँ, कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहाँ से, यही राइट ऑप्शन बन रहा है कि बोलते हुए कुछ एक्सप्रेसिव जेस्चर्स। जेस्चर्स का मतलब क्या होता है कि हमारे जब हम अपने हाथों से कोई मतलब एक्शन करते हैं, जैसे मैंने ये कहा, है ना, ये कहा, ठीक है, तो जब हम बाय बोलते हैं तो बाय, ये भी क्या होता है, ये भी काइंड ऑफ जेस्चर है, ठीक है, मतलब हमारे मूवमेंट्स है हैंड की, ठीक है। तो जेस्टिकुलेट का मतलब क्या हुआ, टू मेक एक्सप्रेसिव जेस्चर्स वाइल स्पीकिंग। आई बात समझ में बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई डोंट नो डैश। ऑप्शंस क्या थे आपके, हु कैन आई ट्रस्ट, ठीक है, उसके बाद क्या था, हुम आई कैन ट्रस्ट, हाउ कैन आई ट्रस्ट, टू हु कैन आई ट्रस्ट, ठीक है। तो पहली तो बात बच्चा ये समझ लो कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब तब लिखी जाती है जब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, लेकिन आपको पता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इनडायरेक्ट स्पीच आ रही है, ठीक है, मतलब ये कोई इंटेरोगेशन नहीं है, ये कोई स्टेटमेंट है ना, क्योंकि उससे पहले उसने क्या लिखा, आई डोंट नो, ठीक है, तो ये कोई इंटेरोगेशन नहीं है, उसका कहने का मतलब है कि मुझे नहीं पता कि किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है, ये पूछने रहे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कि ये तो नहीं कहा जा रहा है कि किस पे ट्रस्ट करें, नहीं, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती ऐसे सेंटेंसेस में जो इनडायरेक्ट स्पीच में हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन भी गलत हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या देखने को मिला हमें, कैन देखने को मिला, ठीक है, और उसके बाद
ये ऑप्शन भी गलत हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हमें क्या देखने को मिला, कैन देखने को मिला। तो राइट ऑप्शन क्या बना हमारा, ये, ठीक है, पहली तो बात ये। अब दूसरी बात ऐसे समझो बच्चे कि एक हिंट मैं आपको या एक इसका लॉजिक और समझा देता हूं कि ये सब क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। वो लॉजिक क्या है कि हु और हुम में डिफरेंस क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। हु और हुम में हम डिफरेंस पहले समझ लेते हैं कि हु जो है, ठीक है, हु का यूज कब किया जाता है, व्हेन वी रिप्लेस अ सब्जेक्ट, व्हेन वी रिप्लेस अ सब्जेक्ट, ठीक है। और हुम का यूज कब किया जाता है बच्चे, हुम का यूज किया जाता है कब, व्हेन वी रिप्लेस एन ऑब्जेक्ट, ऐसे समझो, ठीक है। हु का यूज कब किया जाएगा, जब हम किसी सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, और हुम का यूज कब किया जाता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। क्लियर है इतनी बात, चलिए अगर इतनी बात क्लियर है बच्चे तो एक बात समझो, यहां पे आए दिया हुआ है सब्जेक्ट, यहां पे आए दिया हुआ है सब्जेक्ट, यहां पर भी आए सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर भी आए सब्जेक्ट दिया हुआ है और यहां पर भी आए सब्जेक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब सब्जेक्ट तो कहीं भी रिप्लेस नहीं हो रहा है ना। अगर बच्चे यहां पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, तो यहां पर हु तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हु रिप्लेस करता है किसको, सब्जेक्ट को। मतलब जहां सब्जेक्ट होगा वहां पे हु नहीं होगा, जहां पे सब्जेक्ट आपको इनडायरेक्ट स्पीचेस में देखने को मिलेगा वहां पे हु नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे भी इस क्वेश्चन में भी ऐसा है, हमें देखने को मिला कि आई के साथ फिर से हु लिखा हुआ, ये भी खत्म, ठीक है। अब दूसरा ये क्यों गलत हुआ कि यहां पे तो हु नहीं लिखा था, लेकिन यहां पे हाउ लिखा होता, हाउ लिखा होता तो गलत क्यों हो रहा है, गलत इसलिए हो रहा है कि किसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गलत, ठीक है। अब हुम किसको रिप्लेस करता है, ऑब्जेक्ट को, यहां पे आई कैन ट्रस्ट, नहीं पता ना किसकी बात करें, तो बात किसकी पूछी जा रही है यहां पे, ऑब्जेक्ट की, यानी कि ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया गया, ऑब्जेक्ट हमें यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया गया तो हुम होना चाहिए, राइट ऑप्शन ये बनेगा, ठीक है। मतलब अगर आप किसी भी क्वेश्चन को टेक्निकली डील करोगे तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसान, बेहद आसान, मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि जो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं एचपीएस में, ये कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, बड़े आसान क्वेश्चंस थे, मतलब डायरेक्ट पूछे गए थे क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, अगर किसी को मुश्किल भी लगे बच्चे, कोई वाली चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हो जाता है कई बार हम जब नहीं पढ़े होते, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयशाज वर्क इज सुपीरियर डैश हर ब्रदर्स although he is senior dash at college, ठीक है। अब बच्चे एक बात आप याद रखना, जैसे मान लो मैंने कुछ वर्ड मैं यहां पे पहले लिख देता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं। जैसे सीनियर वर्ड हो गया बच्चे, ठीक है, फिर हो गया जूनियर, ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, एंटीरियर, प्रायर, प्रेफरेबल, इससे रिलेटेड तो दो बातें समझ लो बच्चे कि इसके बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है, ठीक है। लिखा हुआ आपको एग्जाम में क्या मिलता है, देन लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए कि जो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, प्रायर, प्रेफरेबल, इनके साथ कभी भी देन नहीं आएगा, इनके साथ हमेशा क्या लगाओगे आप, टू लगाओगे, ठीक है। और कई बार एग्जाम में क्या होता है कि इनके साथ हमें यहां पर कोई कंपेरेटिव डिग्री लिख कर दे देते हैं, इनके साथ हमें कोई यहां पर कंपेरेटिव डिग्री लिख के दे देते हैं, तो आप ये भी याद रखो कंपेरेटिव डिग्री भी नहीं आती, पहली बात, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, आयशाज वर्क इज सुपीरियर डैश, सुपीरियर आ गया तो सुपीरियर के बाद क्या आना चाहिए, टू, यानी कि पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए था आपका, टू, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, देन, गलत, दूसरे में टू है ऑप्शन, और अगले में फ्रॉम और देन है, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि दो ऑप्शन बचे मेरे पास। अब हम अगला देखते हैं, उसके अगला भी क्या लिखा हुआ है, सीनियर, ठीक है, सुपीरियर के बाद क्या लिखा हुआ, सीनियर, सीनियर के बाद भी क्या आना चाहिए था, टू, यानी कि दोनों तरफ टू आना चाहिए था, यहां पर ये राइट ऑप्शन, ठीक है, ये भी होगा गलत, इतनी बात समझ में। अब एक बात समझो बच्चे, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा, मान लो मैंने क्वेश्चन अगर ऐसे लिख दिया कि ही इज सीनियर देन मी, ठीक है, तो बच्चे देन जो है ना एक ऐसा वर्ड है
जिससे पहले हमेशा ही आपको क्या लिखने पड़ती है, कंपैरेटिव डिक्लेरेशन पड़ती है। मतलब जहां पे भी आपको देन देखने को मिला तो आप ये बात समझ जाएंगे कि उससे पहले आपको क्या देखने को क्या लिखने को मिलेगा, एक कंपैरेटिव डिग्री वहां पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देन वर्ड जो है उससे पहले क्या आना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन सीनियर जो है कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री होती तो इसकी कुछ सुपरलेटिव डिग्री भी होती और एक पॉजिटिव डिग्री भी होती, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो सीनियर है वो कोई कंपैरेटिव डिग्री है नहीं, और देन से पहले हमें कंपैरेटिव डिग्री लगाना जरूरी है। ठीक है, तो इस बात को आप ऐसे समझ लो कि सीनियर जो है इसके बाद देन क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि अगर देन लिखा गया होता तो इससे पहले क्या नहीं चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, गलत। ठीक है, अब सीनियर है एक एडजेक्टिव, सीनियर क्या है, एक एडजेक्टिव है, और मी क्या है, एक प्रोनाउन। अब किसी प्रोनाउन के लिए तो एडजेक्टिव नहीं यूज किया जा रहा है यहां पर, है ना, मतलब इस प्रोनाउन के लिए तो एडजेक्टिव नहीं यूज किया जा रहा, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो इनको जब रिलेट करना पड़ेगा तो बीच में एक प्रेपोजिशन लिखने पड़ती है, वो होती है टू। ठीक है, इस वजह से इन वर्ड्स के बाद क्या आते हैं हमारे, टू लिखा जाता है, देन नहीं लिखा जाता, क्योंकि कोई भी वर्ड ये कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं, कोई भी वर्ड कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। अगर यहां पे देन होता है बच्चे, ये डेफिनेटली क्या होती है, आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, लेकिन ये नहीं है, ये सारे एडजेक्टिव हैं। इनके बाद जो भी नाउन लिखा रहेगा उसके साथ अगर इन्हें रिलेट करना तो बीच में एक प्रेपोजिशन लिखनी पड़ती है हमें, क्या, टू। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मुझसे सीनियर है, वो मेरा सीनियर है, मुझसे सीनियर नहीं है, इसको कंपेयर नहीं कर रहे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, डैश हिज अंकल, ही हैज सिक्स अदर मेल रिलेशन। ठीक है, उसका कहने का मतलब क्या कि उसके अंकल के साथ साथ उसके और छह मेल रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चे, के बावजूद, कि अंकल के बावजूद, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स में इन स्पाइट ऑफ का यूज किया जाता है। ये ऑप्शन गलत क्यों हो जाएगा बच्चे, ये ऑप्शन गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्पाइट के साथ ऑफ तो कभी लगता ही नहीं, तो ऑप्शन गलत है। लेकिन इन स्पाइट के साथ ऑफ लग सकता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ जो होती है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है। ठीक है, कि जैसे मान लो कि मैं कहूं कि उसने मेहनत की वो फिर भी क्या हो गया, फेल हो गया, है ना, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुडंट पास द एग्जाम। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आती है कि इसके बावजूद भी ऐसा हुआ, इसके बावजूद भी ऐसा हुआ, तो यहां पे हमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट तो नहीं दिख रही मिल। ठीक है, अब ये जो बिसाइड है बच्चे, इसका मतलब होता है मतलब साथ में, ठीक है, बिल्कुल पास में, बगल में जिसको कहते हैं, तो ये भी नहीं है, प्रीपोजिशन गलत है। ठीक है, यहां पे जो बिसाइड्स है ये होगा इसका राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्यों होगा, कि बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। ठीक है, उसका कहने का मतलब क्या था कि उसके अंकल के साथ साथ उसके छह मेल और रिलेशंस हैं, छह मेल रिलेशंस और हैं उसके उसके अंकल के साथ साथ। ठीक है, तो बिसाइड्स क्या होगा यहां पर, आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आई जॉन डैश एन ऑनेस्ट मैन, आई जॉन डैश एन ऑनेस्ट मैन। अब कई बच्चे इसको ये समझ रहे होंगे कि यहां पे ये दो लोग हैं, एक ये है और एक ये है, तो इस बच्चे को, बच्चे ऐसे समझो इसको, ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा डीप से जाके पूछ लिया उन्होंने क्वेश्चन, मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे समझो बच्चे, जैसे मान लो मैं यहां पर लिख दूं कि मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख दूं कि यू द ओनली विटनेस, यू द ओनली विटनेस has to be watchful। मान लो मैंने एक सेंटेंस यहां पर लिखा कि you the only witness has to be watchful। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पर लिखा गया, you the only witness has to be watchful। अब यहां पर बच्चे आप एक चीज समझो कि ये जो the only witness है ना, ये कोई अलग इंसान नहीं है, ये description किसकी है, subject की, कि तुम जो एकलौते विटनेस हो तुम्हें ध्यान से रहना होगा, वॉचफुल रहना होगा, ठीक है, अलर्ट रहना होगा। तो यहां पर जब भी आप एक चीज देखना कि अगर ये दो अलग अलग इंसान होते ना तो यहाँ पे कोई कंजंक्शन लिखी होती, यू एंड द ओनली विटनेस ऐसे कुछ लिखा होता, या फिर लिखा होता यू
और द ओनली विटनेस, मतलब यहाँ पे कोई कंजक्शन लिखी होती। तो आप एक चीज याद रखेंगे, जब भी सब्जेक्ट के बाद जो लिखा हुआ है, अगर उससे पहले भी कोमा है और उसके बाद भी कोमा है, उससे पहले भी कोमा है और उसके बाद भी कोमा है, तो ये जो है ना, इसको हम क्या कह रहते हैं फिर, अपॉजिटिव केस। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, अपॉजिटिव केस। ठीक है, अपॉजिटिव केस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव केस का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी की भी हो सकती है, अगर ये सब्जेक्ट के साथ लिखा है तो सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अगर ऑब्जेक्ट के साथ लिखा होगा तो ऑब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम इसको ना भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है इसमें बच्चे, ये है एस यू। ठीक है, द ओनली विटनेस क्या है, अपोजिटिव केस है। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि अपोजिटिव केस के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब यूज नहीं करनी चाहिए। क्या कहा मैंने, अपोजिटिव केस के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब यूज नहीं करनी चाहिए, वर्ब यूज होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ हैज तो नहीं लगता, क्या लगता है, हैव लगता। ठीक है, तो आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि पॉजिटिव केसेस के अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं यूज करते, वी हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। क्लियर है बच्चे बात, तो सब्जेक्ट था यू और उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए यहां पे, हैव, इससे इसके अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं हम यूज करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आई जॉन, अब जो जॉन है यहां पर, जॉन भी क्या है आपका, पॉजिटिव केस है। ठीक है, क्योंकि जॉन की ही इन्फो, आई की ही इंफॉर्मेशन है जॉन, कि मैं कौन, जॉन। ठीक है, तो आई जो है यहां पर, ये है हमारा क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, आई जो है ये है हमारा क्या, सब्जेक्ट, और जॉन क्या है, पॉजिटिव केस। अब जो वर्ब है वो जॉन के अकॉर्डिंग नहीं, आई के अकॉर्डिंग लगेगी, क्योंकि जॉन क्या है यहां पर, पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं यूज करनी, हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ क्या लगता है बच्चे, एम, इज, विल, बी, वर, क्या लगेगा, क्या लगेगा, हाँ एम लगेगा यहां पर। ठीक है, तो एम इज द राइट ऑप्शन, यहां पर क्या आ जाएगा, एम, आई के साथ क्या लगेगा, एम, इज भी नहीं लगेगा, ठीक है, वर भी नहीं लगेगा, और विल भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि विल बी तो आने वाले समय की बात होगी, अनसर्टेन है ना, तो अनसर्टेन विल बी, आई विल बी एन अनाउंसमेंट तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, मतलब टेक्निकली सिमेंटिक गलत होगा इसका। नेक्स्ट देखो, द एयर क्रू, सेम क्वेश्चन बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ठीक है, द एयर क्रू, अब ये बच्चे ऐसा नाउन है जो हमें देखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, लेकिन एयर क्रू का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे प्लेन चलाने के लिए, प्लेन उड़ाने के लिए जो भी मेंबर्स या फिर स्टाफ जो होता है हमारा, जिसमें पायलट भी होता है, ठीक है, एयर होस्टेस, ठीक है, स्टीवर्ड बॉयज जो भी होते हैं, वो सारे इंक्लूडेड होते हैं, मतलब उन सबको लेकर ये बात कही जा रही है। ठीक है, यानी कि ये प्लूरल नाउन है, देखने में लग रहा है सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो देखो ये वर्ब जो है सिंगुलर है। ठीक है, ये वर्ब जो है सिंगुलर, गलत, ये वर्ब भी सिंगुलर होती है। ठीक है, और प्लूरल वर्ब हमारे पास क्या है, ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैव नॉट कम येट। अच्छा, ऐसे भी अंदाजा लगा लिया करो कि देखो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर है, ठीक है, ये भी सिंगुलर, एक ही प्लूरल है, यानी कि ये ऑड वन आउट से भी आप इसको कर सकते थे। तो क्या हो जाएगा, द एयर क्रू हैव नॉट कम येट। उससे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन गुड्स आर डैश चाइनीज गुड्स। ठीक है, अब यहां पे ऑप्शन क्या देखने को मिल रहा है बच्चे आपको, सुपीरियर, मोस्ट सुपीरियर टू, मोर सुपीरियर टू, सुपीरियर टू, एंड द लास्ट ऑप्शन इज गुड टू। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, इंडियन गुड्स जो है वो चाइनीज गुड्स से क्या है, सुपीरियर है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहली बात मैंने क्या समझाया भी आपको, कि इनसे पहले कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, अगर कंपैरेटिव भी नहीं आएगी तो सुपरलेटिव भी नहीं आएगी, ये भी तुम याद रख लो, डिग्री कोई भी नहीं आएगी इससे पहले। ठीक है, तो ये जो लिखी हुई है सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है, ठीक है, गलत हो गया ऑप्शन, ये जो लिखी है कंपैरेटिव डिग्री लिखी है, ऑप्शन गलत। ठीक है, यहां पर क्या है, सुपीरियर के बाद क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, अगर सुपीरियर के बाद टू लिखा हुआ तो बच्चा ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन भी गलत होगा, गुड टू नहीं होगा, ये तो कोई बात ही नहीं बन रही। ठीक है, ये ऑप्शन इररिलेवेंट ऑप्शन था, ऑप्शन ये रिलेट कर रहे थे, तो सुपीरियर टू इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे एडजेक्टिव से देखने को मिल रहे हैं, दो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको प्रेपोजिशन से देखने को मिल रहा है। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया। उससे अगला क्वेश्चन देखिए, नो सूनर हैड द फाइट बिगन डैश ही रैन अवे। नो सूनर के साथ बच्चे अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि कनेक्शन कौन सी आती है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला देन आएगा या ये वाला देन आएगा। कनेक्शन तो नो सूनर के साथ, नो सूनर, अदर और रेदर, इनके साथ कनेक्शन कौन सी आएंगी हमारी, देन ही आएंगी, ठीक है। लेकिन ये वाला देन जो है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करता है और ये कंपैरिजन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर की जा रही है दो सिचुएशंस कि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, ठीक है, वो भाग गया, जैसे ही लड़ाई शुरू हुई वो भाग गया। तो पॉइंट ऑफ टाइम की नहीं, कंपैरिजन की बात हो रही है, ठीक है। अगर कंपैरिजन की बात हो रही है बच्चा, तो यहाँ पे देन यूज करा करो, या फिर ऐसे ही समझ लो कि इस देन का यूज गलत होता है, ये देन आप यूज नहीं करोगे, टी एच ए एन वाला यूज करा करो, नो सूनर, अदर और रेदर के साथ, क्लियर है। चलिए तो ये थे आपके ग्रामर के क्वेश्चंस, ठीक है, जो वहां पे आपको देखने को मिले, बड़े ही आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। मतलब पहला क्वेश्चन आपको कहां से देखने को मिल रहा है बच्चे, फ्रेजल वर्ब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कंजंक्शन से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी से आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद दो फ्रेजल वर्ब हो गए आपके क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन आपको देखने को मिला, आई डोंट नो वाला, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एडजेक्टिव से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, प्रेपोजिशन से, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और यहाँ पर फिर से एडजेक्टिव से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कंजंक्शन। यानी कि दो क्वेश्चन आपको कंजंक्शन से देखने को मिल रहे हैं, दो आपको एडजेक्टिव से देखने को मिले क्वेश्चन, दो वोकैबुलरी से देखने को मिले हैं क्वेश्चन, दो आपके क्वेश्चन थे फ्रेजल वर्ब से, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका प्रेपोजिशन से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और कुल मिला के मतलब अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन आसान आए थे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, बड़े ही आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे, तो आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आसान से ही आ रहा है। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान रहेंगे, मतलब 12 के 12 क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से लगा सकते थे, ठीक है। कोई बात नहीं, हम आगे जाके बहुत सी चीज़ें कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, बहुत टेक्निकली पढ़ेंगे चीज़ों को, ताकि एग्जाम में जाकर एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आप लॉजिकली करके आओ, जैसे मैं अभी यहाँ पर सॉल्व कर रहा था, वैसे आप लोग भी कर पाओ, ठीक है। तो यही मेरी कोशिश रहेगी सारे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आरसी की अगर हम बात करें, तो जो आरसी था, ठीक है, ये बड़ा ही आसान आरसी पूछा गया, मतलब कुछ मुश्किल नहीं है, कॉन्टेक्चुअल है ये, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल का मतलब क्या होता है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसी इन्फॉर्मेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब एक तो इतना है हमारा कि इम्प्लाइड पैसेज पूछ लिया जाता है, कि इन्फॉर्मेशन कुछ और तरह से लिखी गई है, क्वेश्चन कुछ और तरह से पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब एज इट इज आपको वर्ड टू वर्ड यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन काफी हद तक यहाँ पे हमें बहुत हेल्प मिली इस पैसेज में, कि वर्ड टू वर्ड हमें देखने को मिल गए क्वेश्चन, ठीक है। कई जगह जाके एग्जामिनर ने क्या करा कि कुछ वर्ड क्या करा कि सिनोनिम्स यूज कर दिए उनके क्वेश्चन में, सिनोनिम्स यूज कर दिए, मतलब आरसी में उन्होंने वर्ड वही लिखा हुआ है और वहां पे आगे जाके क्वेश्चन में उन्होंने उसका सिनोनिम्स लिख दिया, ताकि तुम डायरेक्टली देख ना पाओ, थोड़ी सी मतलब आपकी वोकैबुलरी भी चेक की है उसने इसमें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइट्स कैन नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है। अब ये बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, उसने लिखा है कि वी नाइजेरियन हु हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर आर राइट्स एंड हैव फाइनली अचीव्ड देम आर करेक्ट टू फॉरगेट दैट आवर राइट बाय इटसेल्फ इज इनकम्प्लीट एंड इनफैक्ट कैन नॉट लास्ट लॉन्ग इफ द ऑब्लिगेशन विच accompany that राइट आर एबसेंट। मतलब क्या हुआ कि वो अगर वो ये कह रहा है कि इसने कहा कि राइट्स कैन नॉट लास्ट लॉन्ग, कब नहीं कर सकते, कब तक मतलब ज्यादा देर तक नहीं चल पाएंगे, अगर उसकी जो ऑब्लिगेशन है, ठीक है, जो उस राइट के साथ है वो अगर एबसेंट है, तब तक फिर जो हमारे जो राइट्स हैं वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं चल पाएंगे, है ना, कि जो ऑब्लिगेशन है अगर वो नहीं है वहां पर एबसेंट है, मतलब कोई हमारे राइट्स होते हैं, जैसे मान लो हमें कुछ भी करने का एक राइट है, मान लो कि तुम्हें राइट है कि तुम अपने घर में गाना सुन सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ऑब्लिगेशंस भी है कि अगर गाना सुनना है तो वो आवाज़ आपके कमरे तक ही रहनी चाहिए, आपकी वजह से कोई दूसरा क्या है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। देन वी हैव टू कर्टेल अवर लिबर्टीज सो दैट अदर पीपल कैन एंजॉय देयर लिबर्टी, ठीक है। तो वो होती है ऑब्लिगेशंस, मतलब जो राइट्स हमें दिए गए उसके साथ साथ ऑब्लिगेशंस भी हमें दी गई हैं। तो उसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा राइट जो है वो लंबे समय तक नहीं चलता है, अगर उसके ऑब्लिगेशंस जो है उसके साथ ना हो, ऑब्लिगेशंस एब्सेंट हो, ठीक है। तो यही उसने यहाँ पे पूछा कि अकॉर्डिंग टू द राइटर राइट्स कैन नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है, कब, जब ऑब्लिगेशन ना हो। तो इफ द सोसाइटी इज इलिटरेट, इफ दे आर इम्परफेक्ट,
ठीक है, विदाउट सपोर्ट फ्रॉम द प्रेस ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, हमें देखने को मिल रहा है विदाउट द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन। कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो गया कि साथ साथ में जो उसके ऑब्लिगेशन भी उसको देखने को मिल रही है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा हमारा, सी होगा, मतलब डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, उससे अगला चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द राइटर इफ वी थिंक एक्सेसिवली इन टर्म्स ऑफ राइट एंड मेजरेबली इन टर्म्स ऑफ ऑब्लिगेशन। तो ये बच्चे हमें यहाँ पे डायरेक्ट देखने को मिला, ठीक है, कि वी स्टिल थिंक टू मच इन टर्म्स ऑफ राइट एंड प्रिविलेजेस एंड टू लिटिल इन टर्म्स ऑफ ऑब्लिगेशन, दैट वीकेंस अ नेशन एंड वी देन बिकम मियरली डेक्रियर्स एंड ग्रम्बल विदाउट एनीथिंग पॉजिटिव टू कॉन्ट्रीब्यूट। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम अभी भी, ठीक है, राइट्स की टर्म में और प्रिविलेजेस की टर्म्स में ज्यादा सोचते हैं और ऑब्लिगेशन की टर्म्स में कम सोचते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमेशा ही हमारा क्या रहता है कि हमें ना जो राइट्स मिले हैं हम उनकी ज्यादा, मतलब जिसको कह सकते हो, चिंता करते हैं, लेकिन उनके साथ जो ऑब्लिगेशन है उनको हम फॉलो नहीं करते, है ना। कि हमें सड़क पर चलने का अधिकार तो है, ठीक है, आप फ्रीली सड़क पे चल सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ साथ ऑब्लिगेशंस भी हैं कि आपको लाइसेंस होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, आपके जो व्हीकल है आपको उसके डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने पड़ेंगे, ठीक है, और क्या होगा कि आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा अगर आप टू व्हीलर पे, अगर आप कार के अंदर है तो आपको सीट बेल्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमें राइट है, हम कहीं भी जा सकते हैं, तो बहुत बार हम देखते भी हैं रोड्स पे कि बच्चे नहीं अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब राइट्स की तरफ हम अपना ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन ऑब्लिगेशंस की तरफ हम कम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है तो हो क्या जाता है कि हम सिर्फ डेक्रियर्स बन जाते हैं। डेक्रियर्स का मतलब होता है कि क्रिटिक्स बन जाते हैं, ठीक है, कि हम क्रिटिक्स ही करते रहते हैं, मतलब क्रिटिसिज्म ही करते रहते हैं कि ऐसा है, ये है, वो है। और ग्रम्बल का मतलब कंप्लेन करना, ठीक है, तो हम कंप्लेन करते रहते हैं विदाउट एनीथिंग पॉजिटिव टू कंट्रीब्यूट, मतलब कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हम उन चीजों में, सिर्फ हम क्या करते हैं एक कंप्लेनर बन जाते हैं कि हम कंप्लेन करते रहेंगे हर समय कि ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है। तो हाँ, तो ये देखो, अकॉर्डिंग टू द राइटर इफ वी थिंक एक्सेसिवली इन टर्म्स ऑफ राइट्स एंड मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब अगर हम टर्म्स राइट्स के लिए ज्यादा सोच रहे हैं लेकिन ऑब्लिगेशंस के लिए कम सोच रहे हैं तो क्या होता है, वी अचीव आवर टारगेट्स, हो नहीं सकता, ये तो पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव होगा ना कुछ, ठीक है। वी बिकम स्लेव्स ऑफ द प्रेस, ये तो गिवन नहीं है वहां पर। द नेशन बिकम स्ट्रांग, ये भी नहीं हो सकता, ये भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। वी बिकम क्रिटिक्स, ठीक है, मतलब ये जो वर्ड यहाँ पर यूज करा है इन्होंने डेक्रियर्स, अगर बच्चे आपको इसका मीनिंग पता होता, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कंप्लेन करते हैं किसी चीज की, ठीक है, या फिर हम क्रिटिसिज्म करते हैं तो इसका मतलब भी क्या होता है, क्रिटिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या कर लिया, आपकी वोकैबुलरी चेक कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वी बिकम क्रिटिक्स, ठीक है, तो वी यहाँ पे लिखा देन, वी देन बिकम मियरली डेक्रियर्स, डेक्रियर्स का मतलब होता है क्रिटिक्स, ठीक है, बस उसने वोकैबुलरी चेक करी, आपकी वर्ड अलग करा है, बाकी सेम है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर है बच्चे। उससे अगले चलते हैं, उससे अगले क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है कि द राइटर बिलीव्स दैट द प्रेस शुड सप्रेस्ड आइडियाज एंड थॉट्स बी कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट लाइक्स टू गिव फ्रीडम टू द प्रेस, इट इज रॉन्ग टू इम्पीड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को यहां से उससे आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। दैट अप्लाइज टू द नेशन एज अ होल बट मच मोर सो टू द प्रेस, ठीक है, मतलब वो चीजें जो है वो नेशन पे ज्यादा अप्लाई की जाती हैं बट मच मोर सो टू द प्रेस, लेकिन प्रेस पे थोड़ा सा हम लोगों से ज्यादा अप्लाई की जाती हैं वो चीजें, ठीक है। द प्रेस फॉट फॉर इट्स ऑन फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस इन द ओल्ड डेज, ठीक है, जो प्रेस थी उसने अपनी फ्रीडम के लिए गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस ना हो ताकि उनकी फ्रीडम में, उसके लिए उन्होंने काफी रिवोल्ट किया या लड़े उस चीज के लिए। Much that appears because of that freedom seems to be exceptionally dangerous, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए लगता है कि वो जो freedom थी press की वो उनको ऐसा लगता है कि वो exceptionally dangerous थी, ठीक है, या dangerous है। The freedom of the press is an indispensable feature of the democratic process. Undoubtedly, even if the government likes the liberties taken by the press and consider them dangerous, it is wrong to obstruct the freedom of press. यहाँ पे देखो बच्चे, it is wrong to obstruct the freedom of press. मतलब कि अगर हम मतलब जो हमारी प्रेस है अगर हम उसकी फ्रीडम को ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, ठीक है, उसमें कोई हर्डल्स लेके आए या फिर उसको रोक दें, प्रतिबंध लगा दें उन पर, ठीक है, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो
हमारी जो प्रेस है ठीक है वो क्या है, उनको आजादी है कि इस चीज की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति इन द सेंस की मतलब जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमारी थिंकिंग है ठीक है, उसको हम प्रेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको पूरे वर्ल्ड वाइड या फिर जिसको कह सकते हैं मतलब इन द होल नेशन हम उसको स्प्रेड कर सकते हैं, हम अपनी थिंकिंग कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं, जो भी हम सोच रहे हैं सही गलत जो या फिर जो भी हमारी क्वेश्चनिंग है सब हम कर सकते हैं थ्रू प्रेस ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेस की ही फ्रीडम को रोक दें, जैसे बहुत जगह आप देख रहे होंगे कि ऐसा होता है कि प्रेस को दबा लिया जाता है, प्रेस को कुछ सच नहीं बताने दिया जाता है ठीक है, तो उस तरह से अगर हम देखें तो प्रेस की फ्रीडम वहां पर रोकी जा रही है, तो वो गलत है ठीक है। और यहां पर भी क्या लिखा है उसने, यही लिखा है कि द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज एन इंडिस्पेंसेबल फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस को मतलब प्रेस को ही क्या कहता है, फोर्थ पिलर है ना डेमोक्रेसी का, क्या है ये फोर्थ पिलर है, मतलब अगर प्रेस ही नहीं तो फ्रीडम कैसे है, ये एक इंडिस्पेंसेबल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको बोल सकते हैं, या फिर जो जो फीचर हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, एक वैसा फीचर है ये किसका, डेमोक्रेसी का ठीक है। अनडाउटेडली इवन इफ द गवर्नमेंट डिसलाइक्स द लिबर्टीज टेकन बाय द प्रेस, मतलब चाहे गवर्नमेंट पसंद नहीं करती कि जो प्रेस को लिबर्टी है एंड कंसिडर देम डेंजरस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट अगर ये भी सोचती है कि जो फ्रीडम है ये अननेसेसरी उनको मिली हुई है या फिर ये डेंजरस है हमारे लिए ठीक है, फिर भी ये गलत है कि फ्रीडम की प्रेस को रोका जाए है ना, क्यों, बाय इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस यू डू नॉट चेंज एनीथिंग, मतलब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने से तुम कुछ नहीं चेंज कर रहे, बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, यू मेरली सप्रेस द पब्लिक मैनिफेस्टेशंस, मतलब मैनिफेस्टेशंस का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन जो हम सोच रहे हैं जो हम बताना चाहते हैं ऑफ सर्टेन थिंग्स ठीक है, देयर बाय कॉजिंग द आइडिया एंड थॉट्स अंडरलाइंग देम टू स्प्रेड फर्दर, मतलब रोक दिया जाता है जो हमारे आइडियाज हैं ठीक है, या जो हमारे थॉट्स हैं, अगर प्रेस को रोक दिया जा रहा है तो हमारे आइडियाज और थॉट्स को भी रोक दिया जा रहा है फैलने से ठीक है, या आगे बढ़ने से, क्लियर है बच्चे बात इतनी। तो बड़े ही आसान सा था ये क्वेश्चन, द राइटर बिलीव्स उसने कोई स्टेटमेंट अपने से नहीं दी, उसने कहा कि राइटर बिलीव दैट द प्रेस शुड बी सप्रेस्ड, कि प्रेस को दबाना चाहिए, नहीं ये तो नहीं सोच रहा राइटर, राइटर तो प्रेस के हक में सोच रहा है। आइडियाज एंड थॉट्स भी कंट्रोल्ड, कि आइडियाज और थॉट्स कंट्रोल करने चाहिए, नहीं ये भी नहीं है। गवर्नमेंट लाइक्स टू गिव फ्रीडम टू द प्रेस, गवर्नमेंट तो चाहती नहीं, गवर्नमेंट चाहती है कि फ्रीडम ना मिले प्रेस को है ना, यही हम पढ़ रहे हैं तब से। इट इज रॉन्ग टू इम्पीड, इम्पीड का मतलब भी क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट। ये देखो बच्चे फिर से उसने क्या कर लिया, आपसे वोकैबुलरी का क्वेश्चन पूछ लिया ठीक है। इम्पीड का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट, जहां पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक है, स्टेशन प्रेस द मैनिफेस्टेशन सीम्स टू बी एक्सेप्शनली डेंजरस ठीक है, प्रेस इंडिस्पेंसेबल ओल्ड डेज एज अ होल मच मोर, यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि इवन इफ द गवर्नमेंट डिसलाइक्स इंटरफेरेंस इन द ओल्ड इज मच दैट बिकॉज ऑफ द फ्रीडम सीम्स, इट्स ऑन गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस इन द ओल्ड इज मच दैट अपीयर्स बिकॉज ऑफ द फ्रीडम सीम्स एक्सेप्शनली डेंजरस ठीक है, नेक्स्ट टू लिबरेट टेकन बाय द प्रेस एंड कंसीडर देम डेंजरस, इट इज रॉन्ग टू ऑब्स्ट्रक्ट ठीक है। ये बच्चे यहां पर लिखा हुआ, इट इज रॉन्ग टू ऑब्स्ट्रक्ट, बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ था, थोड़ा सा मैं पकड़ नहीं पाया, मैं पीछे चल गया थोड़ा सा ठीक है। इट इज रॉन्ग टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस ठीक है, प्रेस ठीक है, तो प्रेस की फ्रीडम को नहीं तुम रोक सकते। अकॉर्डिंग टू द राइटर बाय इम्पोजिंग कॉन्स्ट्रेंट्स वी चेंज द सोसाइटी दैट टेक्स लिबर्टीज, वी कॉज द आइडियाज एंड थॉट्स टू स्प्रेड, वी चेंज द सिचुएशन फॉर द बेटर, वी वाइप आउट द आइडिया टोटली ठीक है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर बाय इम्पोजिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध है ना, रेस्ट्रिक्शंस, बाय इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ठीक है, ये लिखा हुआ है, बाय इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ठीक है, यहां पर लिखा हुआ बच्चे रेस्ट्रिक्शंस है ना, हमें देखने को मिल रहा है, ये देखो एज इट इज लिख दिया उसने, बाय इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस, बाय इम्पोजिंग कॉन्स्ट्रेंट, सिर्फ वर्ड चेंज करें, रिस्ट्रिक्शंस की जगह उसने कॉन्स्ट्रेंट्स कर दिया ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाय इम्पोजिंग कॉन्स्ट्रेंट्स हम करते क्या है, यू डू नॉट चेंज एनीथिंग, यू मेरली सप्रेस द पब्लिक मैनिफेस्टेशंस, मतलब जो लोग सोचते हैं या लोग कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं ठीक है, उनको रोक दिया जाता है
thereby causing the idea and thoughts underlying them to spread further. मतलब रोक देना. Underlying का मतलब क्या है कि जितना उसको आगे बढ़ना चाहिए उससे कम स्पीड में उसको कर देना या रोक देना. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वी वाइप आउट द आइडिया टोटली इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा बच्चे, ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है. राइट ऑप्शन बनेगा क्या हमारा, ये ऑप्शन बनेगा. मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूं तो पैसेज आसान था, बहुत आसान था पैसेज, इसमें मुश्किल कुछ नहीं था. वर्ड टू वर्ड हमें देखने को मिला पैसेज. ठीक है, अब बच्चे पैसेजेस करने कैसे हैं, आपने किस तरह से करने हैं, आपको कहां से पढ़ने हैं, कैसे नहीं पढ़ने हैं, या फिर आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है. ठीक है, ये सब डिपेंड करता है पैसेज की टोन पे, कि टोन क्या है पैसेज की, कॉन्टेक्चुअल है, रेफरेंशियल है. ठीक है, या फिर जिसको बोल सकते हैं कि या फोर में दिया हुआ है या अगेंस्ट में दिया हुआ है. ठीक है, या इम्प्लाइड पैसेज तो नहीं दे रही आपको. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सब आपके पैसेज की टोन पे. ठीक है, ये चीजें सब हम डिस्कस करेंगे कि पैसेजेस आ रहे हैं तो उनको आपने जल्दी कैसे कर लेना. मतलब ये एक ऐसा पैसेज था जिसको आप विद इन हार्डली थ्री मिनट्स आपको लगते हैं और आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं. बड़ा ही आसान सा पैसेज था, ऐसा कुछ मुश्किल था नहीं, देखने को मिला नहीं. मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल रहा वहां पर. ठीक है, और इसमें अगर कुछ बच्चे अगर अच्छे से तैयारी करके गए होंगे तो मुझे लगता है कि जितने भी आपके क्वेश्चन जो 4+16 ऑलमोस्ट हमें क्वेश्चन देखने को मिले, तो जो 16 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनमें से 14-15 जो क्वेश्चंस थे वो आसान क्वेश्चन थे. ठीक है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि 12-14, ठीक है, 12-14 जो क्वेश्चंस थे वो आपके आसान थे. सिर्फ 3-4 या 2-3 क्वेश्चन होंगे ऐसे जो आपके थोड़े से घुमा के पूछे थे, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे. ओवरऑल अगर हम इसके एनालिसिस करें तो ये सेक्शन इजी रहा. ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं रहा, इजी सेक्शन रहा, या फिर जिसको हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट भी कहना गलत होगा क्योंकि मॉडरेट लेवल भी इससे थोड़ा सा हाई होता है. ये सेक्शन इजी था, और मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये सेक्शन इजी था. ठीक है, और अब आने वाले आगे जो आपके स्टेप्स आने वाले हैं, या फिर जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, आगे जाके जो आपको इंग्लिश का सेक्शन देखने को मिलेगा, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए हम इंग्लिश सेक्शन को अगर प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स पता होने चाहिए. और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चंस को विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड करना है और सही करना है. ये होगा कैसे पॉसिबल, जब बच्चे आप ना अपने बेसिक्स के साथ साथ इन चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लोर कर लोगे, समझ लोगे, जान लोगे, पहचान लोगे, ठीक है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे. ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पास पढ़ चुके हैं या मेरे पास जिन्होंने इंग्लिश पढ़ चुकी है, उनके सबका सेक्शन बहुत आसान रहा उनके लिए, बहुत इजीली कर पाए. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छा करके आए होंगे. ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम और फॉर योर रिजल्ट, है ना. और मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ें और हमारे साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. इस सेक्शन को अच्छे से एनालिसिस हमने कर ली है सेक्शन की और बहुत अच्छे से समझ भी लिया है. ठीक है, फिर भी बच्चे कोई डाउट रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं. किसी का आंसर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स या डाउट्स जो हैं आपके वो पोस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में जरूर कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके डाउट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर या इन क्वेश्चंस में से किसी को भी लेकर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा. ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय.